बिच्छू इसके अंदर है, गिद्दड़ इसके अंदर है, शेर इसके अंदर है, फरिश्ता भी इसके अंदर है, अरस्ती बारीकियां ते नजाकतां भी इसके अंदर हैं, ते फरिश्ती आजी भी इसके अंदर है, ते पानी दियां बरकतां भी इसके अंदर हैं, ते हवा दी तुगयानी भी इसके अंदर है, ते अग दी गर्मी भी इसके अंदर है। हुण जिहड़ी सिफत इस पर गालिब हो जाए उसे दा ही मुजाहिरा होंदा है। जिहड़ी सिफत मखलूक विचों बंदे दे मिजाज पर गालिब आ जाए उसे दा ज़ुहूर होंदा है। भावें जितने वजीफे पड़े बदलदा नहीं, लेकिन इस पर आके जनाब रूमी फरमाते हैं कि सारियां सिफतां नूं उठा के पिछे सट मिट्टी दी सिफत रखी। वो फरमाते हैं खाक शोता गुल बेरोयद रंग रंग, तो मिट्टी बन ताकि अजब अजब रंगा दे फुल निकलन दी। तो देखिया आपने मिट्टी क्या के जमीन क्या क्या नहीं बर्दाश्त करती, इस पर ढेर सटो गंदगी दे, तो कुछ ऐसा बारिश होवे तो उसकी शक्ल बदलती है, उस विचों भी बूटियां निकल दियां, उन्होंने बूटियां उत्ते फिर फुल लग जाते हैं, इस पर तुसी गलाजतां सुटो ये वापस जवाब च फुल देंदी है। और इंसान तू तो इस मिट्टी को करोड़ दर्जा अफजल है, वो इतने सदमे बर्दाश्त करके बदले में फूल देती है, और तुम थोड़ी सी शक्ति के बदले में गाल देते हो, तुम्हें भी फूल ही देने चाहिए। ये है खाक शोता गुल बिरो यद रंग, खाक हो जाओ जे रंगीन किस्म के मुख्तलिफ रंगा दे फूल उगते चले हुए खाक रंग रंग। ये फकीर लोग चिले करते हैं सिर्फ अपनियां आता मारने वास्ते, इंसानी जड़ी आम आता ना जबिली किस्म दिया पागल किस्म दिया इसको ख़त्म करने के लिए वो चिले में रहते हैं, तस्वीर नहीं करते। ये बहुत थोड़े लोग हैं और नकम है, ये जड़े लोग काम चिले करते ना, मैं ये काबू करूँ वो काबू करूँ, ये मैं खिबलाल साहब ने एक दफ़ा गल की थी कि अगर इजाज़त हो तो मैं चिला करना चाहता, फरमाया बहुत अच्छी बात है चिले क्या कर सोगी, मैं कोई जिन छिन काबू हो जाएगा मैं ठीक कर लूँगा। फरमाया इस जिन के लिए चिले की जरूरत नहीं, सजदों की जरूरत है, सही देखो अल्लाह क्या क्या पाकीज़ा जेहतें नस्बतें इलामतें और मोहब्बतें मौजूद हैं इंसान के वजूद के अंदर। अल्लाह ताला सब सलामत रखे, बहुत प्यारे लोग हैं, इसलिए मैं दो जेहतें बयान कीतियाँ। बंदा बागी हो जाए तो कितने खलोंदा है, तो झुक जाए तो कहाँ खड़ा होता है, जो मुतकबर होके उठता चला जाए गजब इलाही का उसको बैठा के रख देता, उठना नहीं देता, और जो उसकी बारगाह में झुकता चला जाए झुकता चला जाए रहमत रब उसको ऐसा उठाती है अर्श वाले भी देखते हैं फिर। तो इनके साथ बड़ी चीज बहुत बड़ी बात है। और साथी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिस्र भी सारी जिंदगी का नक्शा खींच दिया है कि निहद शाख पुर मेवा सर बर जमी, जिस टेणी नाल फल लगे हुए वो आकड़ी नहीं झुकी होती, तो जिस बंदे दियां आदतां चंगियां हो जान समझो कि रहमत के फल लग गए इसके साथ। दुरवेशी इसी को कहते हैं और ये फैजान मोहब्बत इसी को कहते हैं, मन अहब्बा शयान अक्सर जिक्र हो, जो जिससे मोहब्बत करे गल्लां उसे दिए करते, तो सब्र ख्याल हाल चाल वही याद रहता है। माशा अंदर जगा के रखो जगा के रखो।
پچھلے ہفتے بھی میں تبلیغ کر دی تھی. ماشاءاللہ.